यहाँ जो टीजीएस गेट है, ये टीजीएस गेट में कम से कम 25,000 के तादाद पर यहाँ के लोकल आदिवासी मूलवासी का जमावड़ा होगा। जरूरत पड़ेगा तो ये टीजीएस कंपनी, टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट, चाहे जितना भी टाटा का यूनिट्स है, सबको आर्थिक नाकाबंदी करने के लिए हम लोग विवश हो जाएंगे। प्रभावित संघर्ष मोर्चा कालिकापुर, बाड़ूबाद, झुरकुली, सालडी, सीधाडी, दुगधा, ऊपरबेड़ा, ये जितना भी हैं प्रभावित है, वो संघर्ष मोर्चा के तहत आज हम लोग जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं। ये प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं कि आज से 100 साल पहले टाटा कंपनी के तहत यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का जो जमीन, तकरीबन 600 एकड़ से ज़्यादा जमीन को वो लोग अधिग्रहण किया था। उस समय यहाँ के भोले भाले आदिवासियों को, मूलवासियों को बहुत सारे वादा, बहुत सारे प्रमिसेस वो लोग किए थे कि आपका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को हम लोग बदल देंगे, नौकरी लगवा देंगे, विस्थापित होने से उनको पुनर्वासन भी हम लोग करेंगे और जमी जायगा का जो भी मुआवजा बनता है वो भी देंगे। लेकिन दुख की बात है, आज तकरीबन 100 साल पार करने के बाद इतने बड़े आकार में जमीन का जो लिया गया, अभी हम लोग महसूस कर रहे हैं कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी को ठगा गया है। क्योंकि इसका उदाहरण स्वरूप जो फैक्ट्री बैठाने के लिए जमीन लिया गया था, उसमें 600 एकड़ से ऊपर का जमीन लिया गया, अभी आज तक का जो हिसाब हम लोग के पास है उसमें तकरीबन 20-30% जमीन को ही इस्तेमाल हो रहा है, बाकी 65-70% जो है जमीन अभी भी खाली पड़ा हुआ है। और यहाँ का मूलवासी आदिवासी जो है वो लोग भूखे प्यासे नौकरी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिली। सबसे बड़ा बात, यहाँ के हमारे राज्य सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय मंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा एक कानून लाया गया कि यहाँ पर जितना भी फैक्ट्रीज हैं उसमें 75% आदिवासी मूलवासियों को लेना होगा। तो जब से ये लागू करने का बात हुआ 2022 संभवतः सितंबर से, तब से लगातार, चूंकि टाटा कंपनी एक इंटरनेशनली फेमस कंपनी है, इसलिए जितने भी फैक्ट्रीज यहाँ पर है, उस फैक्ट्रीज का एंसिलियरी फैक्ट्रीज उनके बदौलत ही चलता है। तो टाटा कंपनी को हम लोग ने 3-4 बार इश्तेहार दिए और हर वाली भी बातचीत किए, जितना बार इश्तेहार दिए वो लोग हम लोग को स्वागत किए, जितना भी बार वाली बातचीत हुई उसमें वो लोग हाँ हाँ करते रहे, लेकिन हकीकत में जमीनी स्तर पर 1% भी काम नहीं किए। तो इसलिए ये जो देखिए, इतना बड़ा टाटा कंपनी में, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के स्तर में हो, चाहे वेंडर्स के तौर पर हो, चाहे लेबर सप्लाई के तौर पर हो, इसमें अभी तक टाटा कंपनी में मुश्किल से 1-1.5% आदमी हमारा लोकल मूलवासी आदिवासी हो। तो ऐसा स्थिति में हम लोग मजबूर हो गए हैं कि अभी आर पार का लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। एक मीटिंग हम लोग किए थे टाटा कंपनी के साथ, उसमें जो लॉन्ग प्रोडक्ट में जिन लोगों का जमीन गया है वो लोग को नहीं ले रहे थे, आनाकानी कर रहे थे, तो उस समय भी हम लोग थोड़ा सख्ती से आए, प्रदर्शन किए, धरना दिए, मीटिंग किए, स्लोगन दिए, शाउटिंग किए, तब जाके बहुत ही कम मात्रा में जो बड़ा गमरिया, छोटा गमरिया की जितने भी जमींदाता थे वो लोग को टाल रहे थे कि आप लोग का जमीन जो है उषा कंपनी ने लिया। तो हमारा कहने का है कि उषा कंपनी को जो टेक ओवर किए आप, तो केवल एसेट्स, प्रॉपर्टीज, प्लांट, मशीनरीज, यही सब देख के लिए है। क्या आपको हक नहीं बनता है कि लायबिलिटी साइड क्या है, ये भी देखना चाहिए। तब जाके समझा कि नहीं, टाटा कंपनी फंस रहा है, तब जाके अभी तक तकरीबन 25 आदमी को
जमींदाता को तुरंत बुला के वो लोग का प्रक्रिया शुरू किया। कुछ आदमी काम कर रहा है, अभी भी ढेर सारे आदमी जो बाकी है। बाकी उसके बाद 18 मार्च को 2023 हम लोग ने एक इश्तेहार दिया, उसमें हाइलाइटेड पॉइंट जो है ये है, कंपनी स्थापित करने के बाद आसपास के ग्रामीणों की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए था, किंतु टाटा कंपनी के द्वारा जिस कदर प्रदूषण फैलाया जाता है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी प्रबंधक जमींदाता विस्थापित प्रभावित को क्षेत्र से पलायन करने पर विवश कर रही है। दूसरा, कंपनी के आसपास के दायरे में रह रहे बचे कुचे जमीन जो है, जिसमें खेती किसानी करके अपना जीवन जीविका निर्वाह करने का प्रयास करते हैं, ये पॉल्यूशन के चलते पूरा जमीन ही बंजर कर दिया वो लोग। तीसरा, इस क्षेत्र के प्रमुख जल स्रोत जो सीतारामपुर डैम 1964 में बन के तैयार हुआ था, उस समय उसका पानी जो हम लोग डायरेक्ट पी रहे थे, हाथ में लेके पानी पी रहे थे, अभी टाटा इस प्रदूषण, टाटा कंपनी के प्रदूषण के चलते, चाहे लॉन्ग प्रोडक्ट बोलिए, TGS बोलिए और टायर बोलिए, ये लोग इतना प्रदूषित कर दिया कि सीतारामपुर का डैम का पानी के ऊपर में एक परत चढ़ गया है पोल्यूशन के चलते। चौथा पॉइंट, जितना भी गांव का नाम हम लोग ने बताया, ज्यादा से ज्यादा यहाँ के लोग जो है सांस के बीमारी से, चर्म रोग से ग्रसित हो गया है, ये केवल टाटा कंपनी के चलते। पांचवा पॉइंट है कि टाटा कंपनी द्वारा आवाजाही का जो रास्ता गमरिया से लेकर झुरकुली रेल गेट तक दोनों छोर पर वो कामगारों के लिए मोटरसाइकिल और वाहन रख के वो रास्ता को कंजेस्टेड कर रहा है, उसमें स्कूली बच्चे आने में दिक्कत हो रहा है, रोगियों को आने जाने में दिक्कत हो रहा है, हमेशा कहीं ना कहीं छोटा बड़ा एक्सीडेंट हादसा होते रहता है। हमारे यहाँ इतना बड़ा जाहिर स्थान है, इस जाहिर स्थान के बगल में TGS का गेट है, यहाँ देखिए कि यहाँ हजारों हजार की संख्या में मोटरसाइकिल वाहन खड़ी रहती है, इसमें एक तो है हमेशा एक्सीडेंट बना हुआ रहता है, दूसरा है कि APWD का जायगा है, इसमें उसको हक नहीं बनता, इतना जो 600 एकड़ जमीन, उसमें 70% जमीन का जो हड़प के रखा है, कुछ काम का नहीं है, वो मोटरसाइकिल अपना वाहन जो है वहाँ पर रखे, ये हम लोग का डिमांड था। टाटा कंपनी लॉन्ग प्रोडक्ट द्वारा दुग्धा के नजदीक में झूम बल्लव स्टील जो टाटा कंपनी ने अधिग्रहण किया, वहाँ पर इस प्रभावित एरिया से तकरीबन 300 से 400 आदमी काम करते थे, अधिग्रहण के बाद ये इतना आदमी सब बेकार हो गया है, बेसहारा हो गया है, हैंड टू माउथ हो गया है, खाने पीने के लिए तरस रहा है, दवा दारू के लिए तरस रहा है। और ये 18 मार्च को टाटा मैनेजमेंट को ये झूम बल्लव स्टील का 193 प्रभावित लोग जो हैं, 300 साढ़े 300 में बहुत सारे श्रमिक जो है पलायन किया गया है, अभी मार्च महीना में 193 आदमी का लिस्ट सौंपा है, मार्च से लेकर अभी नवंबर खत्म होने वाला है, अभी तक इसके लिए उनको बात करने का फुर्सत नहीं है। का लोकल जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स में काम करते हैं, वेंडर्स के अंडर में काम करते हैं, टाटा कंपनी का रोक ऐसा बेरुखी है कि हर 3 महीने में वो लोग के लिए मेडिकल टेस्ट कराता है, और किसी का आंख खराब है, किसी का प्रेशर बढ़ा हुआ है, ऐसा करके दिन ब दिन हर वक्त जितना भी आदमी हमारा 1-1.5% वहां पर काम करता था, हर महीना में कुछ ना कुछ आदमी को कुछ ना कुछ बहाना से वहां से निकाल बाहर कर रहा है। दूसरा है कि यहाँ पर जितने भी वेंडर्स हैं,
हमारे लोकल छोटा मोटा ठेकेदार जो है, जो लोग पहले से काम करते थे, वो लोग को निकालने का रास्ता भी टाटा कंपनी ने तय कर लिया है। क्योंकि उस समय 3-स्टार सिक्योरिटी का व्यवस्था वो लोग मांगा था, एकाएक 5-स्टार सिक्योरिटी मांगा है। यहाँ का लोकल आदमी जो छोटा वाहन चलाता है, जो 407 चलाता है, जो छोटा हाथी चलाता है, जो 3-व्हीलर से एक स्टोर से दूसरा स्टोर तक ले जाता था, ये सब आदमी को हमारा लोकल आदमी का जो भेंडर था वो लोग को खत्म कर दिया। और जहाँ तक बड़े बड़े भेंडरों की बात है, ठेकेदारों की बात है, यहाँ टाटा कंपनी में गिने चुने एक आदमी दो आदमी हो सकता है, बाकी जितना भी है सब बाहर से आ रहा है, चाहे वो पटना से हो, बिहार से हो, यूपी से हो, लखनऊ से हो, बाहर बाहर से आ रहा है। और हम लोग का स्थिति, यहाँ का आदिवासी मूलवासी का स्थिति देखिए, आज से 50-60 साल पहले उनका जो मकान था, खपड़ेल मकान था, वो भी गिर गया है, दूसरा खपड़ा भी वो लोग चेंज करने का स्थिति में नहीं है, और बाहर से आदमी लोग आके यहाँ पर दबदबा बना के कोई 2 तला बिल्डिंग ठोक रहा है, कोई 3 तला बिल्डिंग ठोक रहा है, कोई 10 तला बिल्डिंग ठोक रहा है, कोई मॉल खोल रहा है, लेकिन हमारा यहाँ का आदमी जो है जो कि तो है, और टाटा कंपनी का जो है ये आनाकानी कर रहा है, ये हक जो मांगने जा रहा है हक से वो लोग को वंचित कर रहा है। इवन अभी भी कुछ जमींदाता है बचा हुआ जिनको पूरा मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। वाइटल पॉइंट जो है भारतीय संविधान में 244.1 अधिनियम के तहत ये जमींदाता को जो सुविधाएं देना चाहिए था, आदिवासी मूलवासियों को जो सुविधाएं देने का था, वो मूलभूत सुविधा से वंचित कर रहा है टाटा कंपनी। इसके अवज में सुप्रीम कोर्ट से एक वर्डिक्ट भी आया था 1997 में, सामत कमिटी जो है उसमें भी ये रिपोर्ट दर्शाया है कि प्रभावित, विस्थापित, डिस्प्लेस्ड जो आदमी है उसको सुरक्षा दिला जाए, लेकिन टाटा कंपनी ना ही संविधान के बारे में कुछ ख्याल रखते हैं, ना भी कानून को ध्यान में रखते हैं, संविधान को भी नज़रअंदाज करने का कोशिश कर रहा है। और हमारा झारखंड सरकार जो कानून लाया है 75% आरक्षण के लिए, उस कानून को भी अनदेखा करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए ये विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा जो है, आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कल से लगातार पोस्टरिंग होगा, होर्डिंग होगा, बैनर लगेगा चौतरफा, और ये हम लोग तय कर लिए हैं कि आगामी 5 जनवरी यहाँ जो TGS गेट है, ये TGS गेट में कम से कम 25,000 के तादाद पर यहाँ के लोकल आदिवासी मूलवासी का जमावड़ा होगा। जरूरत पड़ेगा तो ये TGS कंपनी, टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट, चाहे जितना भी टाटा का यूनिट्स है, सबको आर्थिक नाकाबंदी करने के लिए हम लोग विवश हो जाएंगे। और उस दिन जो प्रदर्शन होगा, उस प्रदर्शन में पारंपरिक हथियार के साथ हम लोग यहाँ उपस्थित होंगे और आर पार का लड़ाई हम लोग करेंगे। और ये लड़ाई खत्म नहीं होगा जब तक नहीं पूर्णतः हम लोग को जितना भी आश्वासन दिया गया, जितना भी प्रॉमिस किया गया टाटा कंपनी के तहत, चाहे रिक्रूटमेंट हो, चाहे भेंडरशिप हो, चाहे ठेकेदारी हो, ये सब का जब तक नहीं 100% ये पूर्ण करता है, तब तक हम लोग का ये आंदोलन जारी रहेगा।